नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Realme 12 Pro Plus 5G वर्सेस Xiaomi 14 Civi 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो 12 Pro Plus 5G में 6.36 इंच जबकि 14 Civi में 6.19 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि 12 Pro Plus 5G से कम है। विड्थ की बात करें तो 12 Pro Plus 5G में 2.91 इंच जबकि 14 Civi में 2.86 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि 12 Pro Plus 5G से कम है। बात करें थिकनेस की तो 12 Pro Plus 5G में 0.34 इंच जबकि 14 Civi में 0.29 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो 12 Pro Plus 5G में 196 ग्राम्स जबकि 14 Civi में 179.3 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है। चलिए अब हम डिस्प्ले की तुलना करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो 12 Pro Plus 5G में 20:1:9 जबकि 14 Civi में 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो 12 Pro Plus 5G में 6.7 इंचेस जबकि 14 Civi में 6.55 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन 12 Pro Plus 5G में 1080x2412px FHD+ और 14 Civi में 1236x2750px FHD+ मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 12 Pro Plus 5G में 90.68% जबकि 14 Civi में 90.55% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो 12 Pro Plus 5G में 394 पिक्सेल प्रति इंच जबकि 14 Civi में 460 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो 12 Pro Plus 5G में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में पेरिस्कोप कैमरा देखने को मिलता है। और 14 Civi की बात करें तो इसमें भी हमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में टेलीफोटो कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो 12 Pro Plus 5G में 14 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और 14 Civi की बात करें तो उसमें 15 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो 12 Pro Plus 5G में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं और 14 Civi में डुअल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 6 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU और RAM की जानकारी देखेंगे। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो 12 Pro Plus 5G में Adreno 710 जबकि 14 Civi में Adreno 735 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो 12 Pro Plus 5G में Qualcomm Snapdragon 7 Gen 2 और 14 Civi में Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 मिलता है। बात करें रैम की तो दोनों फोन में सेम ही 2 ऑप्शन देखने को मिलता है और दोनों फोन में सेम ही 8GB 12GB की रैम मिलती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो 12 Pro Plus 5G में 2 विकल्प देखने को मिलता है, जिसमें 128GB 256GB की स्टोरेज मिलती है जबकि 14 Civi में 2 विकल्प देखने को मिलता है, जिसमें 256GB 512GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V14 देखने को मिलती है। बैटरी 12 Pro Plus 5G में 5000 mAh जबकि 14 Civi में 4700 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 3 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं।
सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो 12 प्रो प्लस 5G में तीन वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 21,999 रुपीस, 8GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 30,500 रुपीस, 12GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 24,999 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें 14GB की तो उसमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 8GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 42,999 रुपीस, 12GB रैम 512GB स्टोरेज के साथ 47,999 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो Realme 12 Pro Plus 5G में 8 फायदे और 6 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Xiaomi 14 Civi 5G की तो उसमें 8 फायदे और 4 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है, मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में दोनों फोन सेम ही है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Vivo V30 5G है, दूसरा Vivo V30 Pro 5G है, तीसरा OnePlus 12R 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Oppo Reno 11 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्रिय दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।